सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसी की है, तो उसमें मैंने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये कल की है यानी कि सैटरडे की, और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ संडे को मॉर्निंग में, तो अभी जाएगी ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग। तो ये जो मैंने स्लैब में ये प्लास्टिक की पन्नी बिछा रखी थी, तो इनको मैं निकाल के पहले सारे बर्तन निकाल दिए, उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से वॉश करके और सुखा लूँगी ये जो पन्नी बिछा रखी है। और उसके बाद स्लैब में गीले कपड़े से पोछा लगा करके सारा बर्तन लगा लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया था और कुछ कुछ वीडियो तो मैंने बीच की काट ली थी, और कल की वीडियो में डाल ली थी मैं, तो कल की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने इसको आज एडिटिंग किया। तो यहाँ पे ये दोपहर को बनाई थी मैंने वीडियो, इस टाइम मेरा लंच बन गया था तो थोड़ा टाइम था। मैंने दो तीन दिन से सोच रही थी किचन की क्लीनिंग करने की, तो मैंने कहा अभी टाइम है तो मैं इनको साफ कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता है किचन ज़रा भी गंदा है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन निकाल दिए हैं ऊपर से, और जो ये प्लास्टिक की पन्नी दिख रही है पहले मैं इनको वॉश करके ले आती हूँ, और उसके बाद तब तक ऊपर ये सूख जाएगा। और इस तरफ टाइल्स में बहुत सारे छिट्टे पड़ जाते हैं जब हम छौंक लगाते हैं, कुछ भी तेल तेल के से धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं। तो इसको मैं पहले विम बार से स्क्रब से साफ किया, और उसके बाद अब मैं इस पर गीला कपड़ा मार दूंगी और उससे साफ कर लूंगी। तो काफ़ी गंदी हो रखी थी ये टाइल्स, इस तरह से क्लीनिंग करो तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ऐसी क्लीनिंग डेली डेली नहीं होती है। तो बड़ा बड़ा कर साफ कर लेते हैं हम जो भी है जल्दबाजी में, और अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो इसको मैं टाइल्स को यहाँ पे कर रही थी इससे स्क्रब से साफ, उसके बाद मार दूंगी इस पे गीला कपड़ा। और खाना तो मेरा उस समय बन गया था और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 1:30 बज गई थी। बस मैंने कहा 2 बजे लंच करेंगे, आधे घंटे में मैं इसको फटाफट करके निपटा लेती हूँ। और बारिश थी, मौसम कल बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने कल थोड़ा काम कपड़े धुलाई का था, वो थोड़ा सा सुबह धोए थे वो तो अंदर ही सुखा लिए थे क्योंकि बाहर पूरे दिन ऐसे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे ये जो है अच्छी तरह से साफ हो गई है, टाइल्स चमक रही हैं। यहाँ पे कुर्सी में मैं ऊपर खड़ी हो रखी थी क्योंकि नीचे से हाथ नहीं पहुँचता है ऊपर, और कल मैंने ऊपर स्लैब गैस ये टाइल्स ऊपर के स्लैब इनकी ही क्लीनिंग की, जो ये नीचे दिख रहे हैं जहाँ आटे चावल की टंकी हैं, बहुत सारे दाल के वगैरह बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं, तो नीचे की मैंने नहीं की क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और नीचे की जो नीचे का हिस्सा है इसकी क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जो भी डब्बे रखे हुए हैं ना सारे बहुत गंदे हो रखे हैं, तो इनको धुलने में टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ की मैंने सफाई नहीं की थी, बस ऊपर की स्लैब की थी। किचन की क्लीनिंग हो गई थी, और ये प्लेट दिख रही है इसमें मैंने एप्पल खाया था तो यहीं पे रखी हुई है, गैस स्लैब सब साफ हो गया था। और ये देखिए टाइल्स भी पहले बहुत गंदी थी तो ये मैंने साफ कर दी है, अभी अच्छा लग रहा है
किचन को अच्छी तरह से क्लीनिंग करो तो बहुत अच्छा लगता है। और सारा सामान नीचे रखा हुआ मैंने ऊपर का, तो यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से मार लिया था पोचा। उसके बाद मैंने जो इसमें प्लास्टिक की पन्नी बिछा रखी तो वो धो ली थी, तो ये सूख गई हैं। इनको मैं इसमें बिछा दूंगी और उसके बाद लगाती हूँ मैं इस पे सारा सामान। गाइज बने रहिएगा वीडियो में। तो पूरी सफाई हो गई थी और यहाँ पे खाना पहले बन गया था, तो ये किचन की क्लीनिंग करने से पहले की है। उससे पहले मैंने खाना बना दिया था। कुकर में चावल बना रखे हैं और कढ़ाई में है उड़द की दाल का चौंसा। तो ये चौंसा बनाया मैंने, थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है। तो सब्जी थी मॉर्निंग की और उसमें खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा खाया उन्होंने लेकिन मुझे चौंसा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे चौंसा और चावल बने हैं, तो अब हम लंच कर लेते हैं। और यहाँ पे नीचे वाला स्लैब पे मैंने साफ कर लिया है। तो चावल बन गए थे, इस पर सीटी आ गई थी, मैंने गैस बंद करके इसे नीचे रख लिया था ठंडा होने के लिए। ये उससे पहले की क्लिप है जब मैं किचन की सफाई कर रही थी। और दोस्तों ये है शाम की वीडियो, मेरी इवनिंग टी बन रही है, अपने लिए एक कप चाय बनाया मैंने। तो ये है इवनिंग की वीडियो और दोनों जा रखी थी गौरव प्राप्ति ट्यूशन, प्यू रानी सो रखी थी और मैं अपने लिए यहाँ पे एक कप चाय बनाई। तो चाय पी लेती हूँ, तब तक वो आ जाएंगे ट्यूशन से, उसके बाद जाना है मैंने सब्जी के लिए। मार्केट तो नहीं जाऊंगी, यहीं पास में से ले आऊंगी मैं सब्जी। तो चाय मेरी बन गई है, चाय पी लेती हूँ और तब तक आने वाले हैं वो भी ट्यूशन से। बस सिर्फ अपने लिए बनाती मैं चाय, और हमारे यहाँ कोई चाय नहीं पीता। कभी कभार तो मांग भी लेता है गौरव लेकिन और कोई नहीं पीता है। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी भी मैं चाय पी रही हूँ मॉर्निंग की। तो ये यहाँ पे पी लेती हूँ चाय, पहले इसको भी उठा लेती हूँ, सो रखी है। ये जो कपड़े दिख रहे हैं आपको ये हैं धोए हुए कपड़े, तो अंदर ही मैंने कहा सूख जाएंगे ये पंखे से, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं इसको बोल रही थी उठो, काफ़ी टाइम हो गया, उठो उठो जल्दी उठो। कुछ नहीं है फ्रिज में, दूध गर्म करके। तो मैंने एक कप चाय बनाई अपने लिए, बस मुझे पता था आप लोग पियोगे नहीं। बिस्किट खाने तो दूध गर्म कर लो उस चाय के फ्राई पैन में, थोड़ा सा दूध डालो
और उसमें चीनी डालो। ये देखो इसने मेरे बाल कितने छोटे कर दिए, एक तो इतने सारे झड़ रहे हैं, देखो इतने सारे। नहीं रख दो अंदर प्लेट में। और ये देखो अभी इसकी नहीं यहाँ से सिलाई निकल रखी थी दोनों किनारे से, तो इसकी मैंने सिलाई लगाई। और अभी जाती हूँ सब्जी के लिए, आज मौसम भी पता नहीं अजीब सा है, न तो धूप थी न तो बारिश, कभी कभी हो रही थी बारिश बारिश सी हल्की हल्की सी। अभी आए हैं ये ट्यूशन से और आते समय लेके आए बिस्किट, तो अभी दूध के साथ खा लेंगे। हल्का गरम करो दूध। ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और चलती हूँ अभी सब्जी लेने के लिए। बस यहीं पे पास ही जाऊँगी, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, जाना तो मैंने मार्केट भी था लेकिन देखूँगी जब टाइम मिलेगा, या तो कल जाऊँगी। और अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है और मौसम भी ठीक नहीं है, लग रहा है कि बारिश आएगी। ओपीओ को मैंने उठा लिया है, सो रखी थी। ये देखिए यहाँ पे बिस्किट खा रही है और प्राप्ति किचन में है, वो दूध गर्म कर रही है और अभी पिएंगे ये दूध। ये श्रीमान जी क्या कर रहे हो, गेम तो नहीं खेल रहे? ये मोबाइल पे बैठे हुए हैं। चलो दूध लेके आओ अपने लिए और बिस्किट भी उसी में खाओ। और चलती हूँ सब्जी लेके आती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ज़्यादा गर्म करके मत देना उसे। तो यहाँ पे इवनिंग को आ गई थी मैं सब्जी लेके, तो बनाना ले आई इनके लिए, काफ़ी दिन से नहीं खा रहे थे। और कुछ सब्जियाँ लेके आई हूँ, बीन्स करेले और प्याज लेके आई हूँ और बैंगन लेके आई हूँ, ग्रीन वाले होते हैं जो। बस दो तीन सब्जियाँ लेके आई हूँ, तो इनको मैंने डाल दिया है बाल्टी में, वॉश कर लेती हूँ। और ये हैं खीरे, तो सबको मैंने एक साथ ही वॉश करना है, तो नल खोल देती हूँ मैं, इसमें थोड़ी देर तक भिगो के रखूँगी। गाइज वीडियो मेरी इतनी है, आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और जो लोग फर्स्ट बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।